$5 ट्रिलियन की इकोनॉमी का जो हमारा लक्ष्य है, उस लक्ष्य को गांव वालों को बीच में रख के, गांव वालों को, किसानों को, गरीब को, मजदूर को, उन सबको धूरी बनाते हुए, उन सबको बीच में रखते हुए हम इस लक्ष्य को पार करें, इसीलिए जो है मैक्सिमम पैसा आपकी बार जो है वो हमारे किसानों के लिए दिया गया है। और इसके साथ साथ जो हमारे यहाँ पर बैरन लैंड है, या कि जो जैसे जो यहाँ पर बायोमास है, जो गोबर गैस है, उसको किस तरह से हम इस्तेमाल कर सकते हैं, गांव वालों को कैसे हम बीच में इसमें ले सकते हैं, इस चीज़ की भी कोशिश की गई है। वेलनेस सेंटर बनाने का है, और सरकार की तरफ से बहुत सी ऐसी योजनाएं हैं, वो सभी कार्यकर्ताओं को बताई जाएंगी ताकि वो धरातल पर इसको आम जनता तक पहुंचा सके। देखिए, ऐसा है कि बजट में कहीं ये नहीं होता कि एक पर्टिकुलर कोई भी एक विधानसभा या कोई ब्लॉक उसका लिया जाए, उसके लिए कुछ किया जाए, लेकिन फिर भी मैं ये कहूंगी कि हरियाणा के लिए अगर हम देखें तो 5 ऐसे आर्कियोलॉजिकल साइट्स जो हैं वो चिन्हित की हैं, जिसमें कि राखी गढ़ी जो है, हरियाणा में राखी गढ़ी है, उसको सेंटर की तरफ से जो है वो एक आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम की तरह से उसको तैयार किया जाएगा। तो ये बहुत बड़ी सौगात हमारे हरियाणा के लिए मैं कह सकती हूँ कि है। और इसके साथ साथ जहाँ कहीं पर भी बैरन लैंड है, उस बैरन लैंड को किस तरह से इस्तेमाल करना है, चाहे सोलर एनर्जी के लिए हम कहें, रिन्यूएबल एनर्जी के लिए कहें, और भी किस तरीके से इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। माइक्रो इरीगेशन में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत फोकस है कि माइक्रो इरीगेशन के तहत जो है वो किसानों को ये बताया जाए कि पानी जितना इस्तेमाल हो सके उतना ही करना चाहिए, और इसके साथ साथ इस तरह की जो फसल है कि जिसके अंदर की पानी बहुतायत में इस्तेमाल होता है, उसको वो कोशिश करके जो है वो कम, इस तरह की फसलों को कम उगाएं और ऐसी फसलों को ज्यादा उगाएं जहां पर पानी की मात्रा कम इस्तेमाल होती है, ताकि जो हमारा वाटर डिप्लीशन है, जो हमारा अंडरग्राउंड वाटर लेवल है, वो और ज्यादा नीचे ना आए। ये जो स्थानीय मुद्दे हैं, इसके बारे में बात की जाएगी अधिकारियों से भी, और जो हमारे इसमें जो भी मंत्री हैं उनसे भी, मंत्री से भी बात की जाएगी कि इसका क्या जल्दी से जल्दी समाधान हो सकता है। जो स्थानीय मुद्दे हैं उनको अलग तरीके से, उन समस्याओं का समाधान किया जाता है, जो केंद्रीय मुद्दे हैं उनका अलग तरीके से समाधान किया जा सकता है। आपने कहा ये स्थानीय मुद्दे ही रहते हैं, लेकिन मैं लोकसभा सांसद हूँ, पर फिर भी मेरी जिम्मेवारी ये है कि मैं देखती हूँ कि यहाँ पर क्या कर सकते हैं, वो पूरा करने की कोशिश करें। लेकिन नरवाना के लोगों की वर्षों पुरानी मांग रही है कि यहाँ पर नांदेड़ एक्सप्रेस है जो धार्मिक स्थल की तरफ जाती है, वो ट्रेन नहीं रुकती, और भी कई धार्मिक स्थल है नरवाना से। देखिए, रेलवे से रिलेटेड, रेलवे से कंसर्न जितनी भी समस्याएं हैं, चाहे वो हमारी डब्वाली की समस्या थी, चाहे हमारी एलनाबाद की समस्या है, चाहे हमारी वो हिसार से अग्रोहा होते हुए फतेहबाद होते हुए सिरसा जाने की है, चाहे यहाँ नांदेड़ की जो आपने बात की, वो सारी की सारी समस्याओं को मैंने ये सभी को कहा है कि एक डेलीगेशन जो है वो आए, और वहां पर जो हमारे मंत्री हैं, रेल के मंत्री हैं, चाहे हमारे राज्य मंत्री जी की बात करें, चाहे हम केंद्रीय मंत्री जी की बात करें, उन सबसे मैं उनकी मुलाकात करवाकर उनकी बात को प्रॉपर जगह पर एक सही प्लेटफॉर्म पर हम रखेंगे, और उसके बाद ऑफिसर से बात करके कहां तक वो फिजिबल हो सकती है, कहां तक वो पूरी हो सकती है, उसको करवाने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। जो नॉर्म्स के अंदर रहते हुए पूरी हो सकेंगी उसको 101% करवाएंगे, इस बात की मैं आपको जिम्मेवारी देती हूँ। जो धरोधी माइनर की चिर परिचित एक जो यहाँ की एक मांग थी, वो 20 तारीख को यहाँ पे टेंडर खुलेगा, और मुझे लगता है कि उससे भी बहुत राहत मिलेगी और बहुत लोगों को एक खुशी है इस बात की कि जो उनकी समस्या था उसका समाधान होगा। 20 तारीख को जो है वो उसका टेंडर खुलेगा, तो मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देती हूँ इस बात के लिए भी हमारे नरवाना वासियों को। नरवाना वासी जो है वो अब ये बात समझ चुके हैं कि अब जो है उनका खैर खबर लेने वाला कोई है, इसलिए आप देखिए कितना जबरदस्त लोगों के अंदर प्यार है, और सब एकदम से उमड़ के आते हैं, एक बार पता लग जाए कि सांसद आ रहे हैं तो तुरंत प्रभाव से जो है लोग पहुंचते हैं। और अभी इसके बाद हमारा जो है तनोदा में है कार्यक्रम, और इसके बाद कल कालावाली में है, परसों डबवाली में, उसके बारे में भी पता करेंगे कि वहां पर कहां 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 टेस्टिंग चल रही है उसकी, और टेस्टिंग का 27 दिन का टाइम है, उसके बाद पूरी उम्मीद है कि वो भी